मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट यह बताया जाएगा कि उनके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए इस योजना के बारे में जानकारी दी। राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि खेती किसानी में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से किसान के खेती की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार एम्बुलेंस मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू कर रही है जिसमें किसान के खेत की मिट्टी का प्रशिक्षण करने के लिए हर गांव में खेत में एम्बुलेंस पहुंचेगी। इस खेत पहुंच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट ये बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि पहले ये व्यवस्था किसान के लिए मंडी में उपलब्ध रहती थी, लेकिन इस सेवा का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को किसान के खेत तक पहुंचाकर किसानों को लाभ दिया जाएगा। अब मेरे खेत के अंदर जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए रासायनिक खाद डाले जाते हैं, या जो चीज की पोटास है ये है उसकी देना है, लेकिन किसकी उसकी अधिकता फिर दूर दिया जा रहा है। इसलिए 100% किसान गाँव की मिट्टी परीक्षण, उसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है, क्योंकि किसान हमारा मंडियों के अंदर परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ नहीं आता। हम हमारे कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को एक एम्बुलेंस बना के हर गांव में जाएगी और वहाँ सैंपलिंग गांव के अंदर किसानों के करके उसका मिट्टी का मोला के आएगी और उसका परीक्षण करके गांव में बताएगी कि आपको किस चीज़ की कमी कितना, ताकि हमारे देश में जो फालतू हम विदेशों में पैसा देते हैं रासायनिक खाद का। कमल पटेल ने कहा कि रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग होने से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको अब हम सबको मिलकर रोकना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से विदेशों में जाने वाला रासायनिक खाद खरीदी का पैसा भी बचेगा और किसान प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लौटेगा। उन्होंने बताया कि 2019-20 में भारत सरकार 31,000 करोड़ की सब्सिडी देती थी, लेकिन अब वह बढ़कर 2,25,00,000 करोड़ की हो गई है। पहले DAP 1900 में मिलता था, तब सरकार किसान को 1200 में देती थी, यानी कि सरकार 700 रुपए की सब्सिडी एक बोरी पर किसान को दे रही थी, लेकिन अब DAP 3900 का हो गया है, जिस पर सरकार किसान से 1350 रुपए प्रति बोरी ले रही है। सरकार 2600-2700 सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को करने की दिशा में किसान उत्पादक समूह का अहम योगदान रहेगा, इसके लिए सरकार हर कदम पर आपके सहयोग के लिए खड़ी हुई है। पटेल ने कहा, देश का किसान समृद्धशाली होगा तो देश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। मालूम है आपको, 71,000 करोड़ 2020 तक 19 तक सब्सिडी देती थी भारत सरकार, अब हो गई है वो 2,25,00,000 करोड़। जब DAP 1900 में मिलता था विदेश से जो आते थे, तो 1200 में किसान को देते थे, 700 रुपये सब्सिडी देते थे, अब तो हो गया 3900 का, 4000 का, फिर भी किसान से लेते 1350, यानी 150 बढ़ाया, वो 2500-2600 रुपये बोरी सब्सिडी भारत सरकार देती है। यूरिया 266 में किसानों को देते हैं, वो आ रहा 2500-2700 का, पूरी सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। ये लाखों करोड़ बाहर जा रहा है, वो अंधाधुंध डाले जा रहे हैं, मिट्टी भी खराब कर रहे हैं, पर्यावरण भी खराब कर रहे हैं, और इसलिए इसका भी संतुलित जितनी आवश्यकता है उतना, उसके लिए भी हमने प्राकृतिक खेती का भी शुरू किया है, जैविक खेती किया है, गोबर के खाद बनाकर, गोमू से दवाई बनाकर, वनस्पति से दवाई बनाकर खेती करें, शुरू करें तो शुद्ध अनाज होगा, तो पूरी दुनिया आज कोरोना के बाद प्राकृतिक और जैविक उत्पाद की मांग है और रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये इस प्रकार हम इस देश को इन दोनों योजनाओं से गाँव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं और देश की तकदीर बदल सकते हैं, उस बदलने में तकदीर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।